वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ की जनरल इंग्लिश के बारे में, जिसका आपका लेसन फाइव है द क्राउडेड ट्रेन। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बोट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। फिनिश मीन्स होता है आपका समाप्त करना। ठीक है, तो विनोद ने ऑफिस में अपना काम खत्म किया और कुछ वस्तुएं इंदौर ले जाने के लिए वापस लाए। ठीक है, ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट। वहाँ उसने क्या सोचा कि मॉर्निंग में ही, सॉरी, ही हैड कम ऑन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट। ठीक है, वहाँ सुबह ऑफिस के काम से भोपाल आया था और उसने रात को ही काम खत्म करके वापस जाने की योजना बनाई। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन ही नोटिस्ड दैट द ट्रेन वाज ओवरक्राउडेड एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास। ठीक है, जैसे ही वहाँ भोपाल के रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो उसने देखा कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, ओवर क्राउडेड मीन्स होता है काफ़ी भीड़। ठीक है, तो इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास, तो उसके लिए दूसरी श्रेणी में यात्रा करना असंभव था। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और टू बाय अ न्यू टिकट। उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपनी योजना में चेंज कर सके और नया टिकट खरीद सके। ही नोटिस्ड दैट देयर वर सम वैकेंट सीट्स इन द एसी कोच। उसने देखा कि जो एसी कोच है उसमें कुछ खाली सीट्स है। ही बोर्ड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एन एसी कोच। ठीक है, बोर्ड मीन्स होता है आपका चढ़ना, तो वहाँ ट्रेन में चढ़ गया और उसने निश्चय किया कि मैं इस एसी कोच में ही यात्रा करूँगी। ही इंटेंटेड टू पे द डिफरेंट एज सून एज द टीटी। उसने यहाँ निश्चय किया, उसका यह इरादा था कि जैसे ही टीटी आएगा तो मैं क्या करूँगा कि उसको कुछ और जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं ऐसी कोच के वहाँ दे दूँगा। ही गोट इन टू द कोच एंड सीट डाउन ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट्स। तो वहाँ ऐसी कोच में दो खाली सीटों में से एक पर बैठ गया। द अदर पैसेंजर्स इन द कोच अपीयर टू बी रिच बिजनेस। जो उस रेल में और भी जो पैसेंजर्स बैठे थे वो बहुत ही रिच बिजनेसमैन दिखाई दे रहे थे। दे वर वेल ड्रेस्ड, वे बहुत ही अच्छी ड्रेस में दिखाई दे रहे थे। जस्ट एज द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ वॉर्न आउट सूटकेस जंप्ड इन एंड सेट डाउन। जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी तभी रेलगाड़ी में एक गंदे कपड़े पहने हुए, ठीक है, और टूटी फूटी सी सूटकेस लिए हुए एक युवक चढ़ा। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब। वहाँ ऐसा दिख रहा था कि उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, मतलब नो जॉब मीन्स आप बोल सकते हैं बेरोजगार। ठीक है, वहाँ बेरोजगार दिखाई दे रहा था। द यंग मैन्स कोट